तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तारे देखने आई थी। तारे देखने आई थी? इतनी रात को? रात का होने, अब तो सुबह होने वाली है। हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी भाई। नींद नहीं आ रही? ये क्या है? तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई थी। मेरे लिए कॉफी लाई थी तुम? हाँ, लेकिन लगता है शायद तुम कॉफी पी चुके हो। हाँ नहीं नहीं वो एक्चुअली तुम्हारी पुप्पो ने मेरे लिए कॉफी बनाई थी। वाह भाई, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अच्छा, ये ना हो कॉफी के चक्कर में कोई तुमसे बड़ा काम लेना चाह रही हो। वो नहीं, वो कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि वो मुझे बहुत सारा जहेज देना चाहती है। जहेज मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी पुप्पो जो है ना, वो मुझे दामाद बनाना चाहती है। हे पुप्पो, जी तुम्हें दामाद? पागल वागल हो गए हो क्या? दामाद बनाना चाहती हैं? क्यों नहीं बनाना चाहेंगी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी ताई से भी बड़ा खतरा है। एक मिनट, जाके ना अपना मुंह धो। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें किसी ने गलतफहमी का शिकार बना दिया, मिस्टर फोटोग्राफर। तुम्हारा मतलब है कि मुझे गलतफहमी हुई है? ओह आई एम सो सॉरी, गलतफहमी नहीं, तुम्हें ना खुशफहमी हो चुकी है। खुशफहमी? हाँ और नहीं तो क्या। वैसे तो मैं अपने खानदान वालों की बहुत इज्जत करती हूँ और वो सब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन लेकिन क्या? तुम गरीब से बिना मुझे हमदर्दी तो है यार, इसलिए भूल जाओ इसे। क्या मतलब क्या भूल जाओ भाई, सही सही बताओ। देखो मैं नहीं चाहती ना कि तुम कोई झूठे और बड़े बड़े ख्वाब सजा लो और फिर बाद में दुखी हो। कैसे बड़े बड़े ख्वाब? यही मेरे खानदान में शादी वादी करने के ख्वाब। सीरियसली? तुम्हें लगता है तुम्हारे खानदान में मेरे लिए शादी करना बड़ी बात है? हाँ नहीं तो और क्या। मेरी बात सुनो, तुमने देखा ना अभी शादी में कितने कम लोग आए हुए थे। हाँ तो? तो ये कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, वो रिश्तेदारों की हैसियत देके उनको इनवाइट करते हैं। गरीब रिश्तेदारों को तो वो मिठाई भी नहीं भिजवाते। शादी का कार्ड तो दूर की बात है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे खुशफहमी हुई है? जी बिल्कुल, जो लोग अपने से कम हैसियत वालों को इनवाइट तक नहीं करते शादी में, वो तुम जैसे मामूली लड़के से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएंगे? अच्छा तो फिर कैसे लड़के से करेंगे? भाई अब कोई लाख सवा लाख तनख्वाह वाले बंदे से कम तो शादी नहीं करवाएंगे ना वो। अब सिर्फ हैंडसम या हीरो जैसी शक्ल होने से तुम्हें अपना दामाद थोड़ी बना लेगा कोई। हमारे खानदान में शादी करनी है ना तो जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें हैंडसम और हीरो जैसा लगता हूँ? हाँ। लगता हूँ? अरे हाँ ना भाई, तुम्हें देख के लगता है कि कोई तुम किसी देसी फिल्मों के एक्शन हीरो जैसे तो हो। देसी फिल्मों का एक्शन हीरो? भाई मुझे लगा कि तुम मुझे किसी हॉलीवुड एक्शन हीरो से कंपेयर करोगी। देसी फिल्म में? हाँ तुम्हें याद नहीं है उस दिन मार्केट में तुमने उस लड़के को इतना पीटा था। तुम्हें देख के लग रहा था कि कोई एक्शन हीरो आ रहा है और लड़के को खूब पीट रहा है, खूब पीट रहा है। ओ माय गॉड, सितारा जहां था तुम्हारी फैन हो गई थी यार। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर।